सुबह के करीबन 6:48 हुए हैं और मैंने ओला कैब बुक की है जो कि 1 मिनट में आने वाली है। और मेरी अगली ट्रिप की शुरुआत अभी से होने वाली है। सो मेरी कैब आ चुकी है, फाइनली ओला कैब आ गई है और मैं निकल रहा हूँ ओला कैब से। और नई ट्रिप की शुरुआत आज हो रही है 13 नवंबर। ये मालवीय नगर का एरिया है न्यू दिल्ली में। सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ हमेशा बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2। और ये मेरी ट्रेन। मैं इस ट्रेन से जाने वाला हूँ और मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ मैं कौन सी सिटी जाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं ट्रैवल करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कालका शताब्दी में, और मैं अपनी जर्नी आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। सो मेरे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। बहुत ज़्यादा लेग स्पेस दे रखा है। न्यूज़ पेपर मिल गया शताब्दी में, खाने रखने के लिए स्नैक्स वगैरह मिलेगा आई थिंक ट्रेन पे।
बुकिंग मिल गई है इंडियन रेलवे की तरफ से। हम आज एक चीज कवर करेंगे, इस ट्रेन में क्या क्या मिलता है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, बोला कैब टाइम पे आ गई, मैं टाइम पे स्टेशन पहुंच गया, टाइम पे बैठा हूँ और ट्रेन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो टाइम पे आया होगा चंडीगढ़ भी पहुँच गया। ये ड्रिंक मिली मेरे को अभी नींबू पानी। शताब्दी में जाने का फ़ायदा है इसमें आपको पानी मिलता है, नींबू पानी मिलता है और खाने को भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आफ्टर पानी है, नींबू पानी के बाद मिल रहा है चाय। शताब्दी में यात्रा बहुत आराम से कट जाती है, खाने पीने को आता रहता है इससे। चाय के लिए पानी है, ये इस केटली में आया है, बहुत बड़ा केटली है बट इतनी बड़ी स्टिकर इसमें लगे हैं जो कि निकले हुए हैं, बड़े गंदा लग रही है। इंडियन रेलवे को सजेशन है जब आप चाय कॉफ़ी दें केटली पे तो ऐसे स्टिकर्स ना लगाएं, बहुत ही गंदा लगता है। वो पैसेंजर की केटली में भी ऐसे ही है। हम भारत की सबसे तेज ट्रेन में बैठे हैं और जब ऐसा कुछ मिलता है तो बड़ा दुख होता है। ये है ट्रेन का बैक साइड, वहाँ पे खाना लगाया जाता है शताब्दी एक्सप्रेस में। ये है वॉशरूम, ये इंडियन वॉशरूम है, थोड़ा क्लीन है, ज़्यादा क्लीन तो नहीं है बट ठीक है। टिश्यू पेपर वगैरह नहीं है यहाँ पर, शताब्दी एक्सप्रेस में टिश्यू पेपर नहीं है, पटरी भी ठीक है। सारे कोचेस अटैच्ड है बैक टू बैक। खाना पीना रखा जाता है, चाय कॉफी खाना अंदर रखते हुए है इसको, यहाँ गर्म रहता है खाना। ओके और ये अंदर कोच है, शताब्दी जो कि दिल्ली से चलती है काफ़ी अभी तक का सफर तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज टाइमली है। इंडियन रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से और अब हर चीज़ें बेहतरीन है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा जिनको भी चंडीगढ़ जाना है कालका शताब्दी से जाएँ, टाइम
अभी तक तो ट्रेन टाइम नहीं चल रही है, मैं देखता हूँ कितने बजे पहुँच रहा हूँ। तो फाइनली चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। चंडीगढ़ में ट्रेन आ चुकी है, तकरीबन 20 मिनट लेट थी, बट कोई नहीं, पता ही नहीं चली जर्नी तब स्टार्ट ही और ख़त्म हो गई। 3.5 घंटे की जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया लाल कृष्णा। अब मेरी जर्नी यहाँ पे देखूँगा क्या करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ स्टेशन के बाहर, और मैंने एक कार बुक कर रखी है, आपको उस कार के बारे में भी बताऊँगा। क्या आप अगर जो इंडिया की किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो आप कैसे कार बुक कर सकते हैं और कैसे सिटी में टूर कर सकते हैं उसी कार से, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। बाहर निकलने का रास्ता, यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे आपको जाने के लिए, ऑटो मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगा, बहुत सारे साधन हैं जिससे कि आप जा सकते हैं अपने जगह पे। गाइस मैं आ गया हूँ चंडीगढ़, और मेरी अब चंडीगढ़ की ट्रिप जो स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है जूम कार के साथ। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जूम कार, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कारें बुक कर सकते हैं। आप कभी जहाँ ट्रैवल करें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर या और भी जो शहर हैं जहाँ आप विज़िट कर रहे हैं और आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको खुद ड्राइव करके जाना है, आपको ओला उबर नहीं यूज़ करना, तो आप जूम कार की मदद ले सकते हैं। जूम कार पे आप गाड़ी बुक कर सकते हैं और ख़ुद ही ट्रैवल कर सकते हैं। ये जूम कार एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा और फर्स्ट 3 बुकिंग के लिए ये 5,000 डिपॉज़िट लेते हैं, एंड आफ्टर 3 बुकिंग ये डिपॉज़िट भी नहीं लेते। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर जो आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं मेट्रो सिटीज़ में और ख़ुद ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ुद ड्राइव करना चाहते हैं, तो जूम कार ज़रूर यूज़ करें, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आपको इमीडिएटली कार मिल जाती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और सारी चीज़ें एप्लीकेशन के थ्रू होती है, मोबाइल के थ्रू। इसमें किसी का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, उनकी टीम होती है हालांकि, बट फिर भी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा जूम कार एप्लीकेशन। अभी मैं आया हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर ही जूम कार का यहाँ पे पूरा हब है, बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास है। मैंने जो गाड़ी बुक की है वो है स्विफ्ट, और उससे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आज, मैं दिखा देता हूँ एक बारी आपको। तो मैंने ये गाड़ी बुक की है जूम कार के थ्रू, बहुत बढ़िया है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ियाँ बुक करें जूम कार के थ्रू, इसमें जो गाड़ी में कोई भी स्क्रैच वगैरह हैं पहले से, वो आप एप्लीकेशन में मेंशन कर दें, कोई भी चीज़ें ना छोड़ें, क्योंकि जूम कार क्या करता है, अगर जो आप मेंशन नहीं करेंगे और कहीं उस गाड़ी में स्क्रैच अपने से भी आ गया, किसी और ने लगा दिया, तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बट आप पहले ही मेंशन कर देंगे कि गाड़ी में स्क्रैच था, तो आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा। अब मैंने ये गाड़ी पूरे दिन के लिए बुक की है, 8 बजे सुबह से बुकिंग कर रखी थी, बट मैं आया अभी 11:30 बजे हूँ, तो ये मैंने 8 बजे से शाम को 8 बजे तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 1150 में बुक की है, जिसमें 180 किलोमीटर इंक्लूडिंग है विथ फ्यूल, मुझे इसमें कुछ भी फ्यूल वगैरह नहीं डलवाना होगा। चलो अब मैं ये गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ।
सो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है अब। सो फाइनली मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ में, मेरा वेलकम हो गया है और मैं जूम कार की कार से निकल रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ दूसरी बार आया हूँ, पहली बार आया था कार से, आया था दिल्ली से एक कार के थ्रू, और दूसरी बार मैं आया हूँ कालका शताब्दी से।